सो हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि बहुत लोगों का मेरे पास डीएम आ चुका है, बहुत लोगों का कमेंट मैं पढ़ चुका हूँ कि ऑटोडेस्क स्केच बुक में हमारे फोटो का क्वालिटी गिर जा रहा है। देख सकते हैं, ये फोटो में क्वालिटी गिर चुका है। और यहीं पर ये वाला फोटो, आप लोग वीडियो का क्वालिटी बढ़ा के देखिएगा, इस फोटो का क्वालिटी आप लोग देख सकते हैं क्या है, और यहाँ पे देख सकते हैं इस फोटो का क्वालिटी क्या है। ठीक है ना, दोनों फोटो में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है। इसमें बिल्कुल भी क्वालिटी नहीं है, लेकिन इसमें एकदम एचडी क्वालिटी में दिख रहा है। ठीक है, तो आप लोगों को इस वीडियो में यही बताऊंगा कि ऑटोडेस्क में क्वालिटी गिर रहा है तो उसको हम कैसे सही करेंगे, ऑटोडेस्क में अगर आपको फोटो का क्वालिटी कम हो जाता है तो उसको हम कैसे सही करने वाले हैं, और आप लोग को ये भी बताएंगे कि कौन से एप्लीकेशन में आप लोग को अपने फोटो को एडिट करना है, सबसे पहले किस एप्लीकेशन में लेके जाना है कि आपकी फ़ोटो का क्वालिटी लॉस ना हो। ठीक है, सारी चीज़ें आप लोग इस वीडियो में बताएंगे डिटेल में। वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अभी देखिए यहाँ पे ये फोटो कितने एमबी का है, ध्यान से देखिए, 2 MB का फोटो है। ठीक है ना, अभी मैं यहीं पे दूसरा एक और फोटो, ये वाला फोटो दिखा देता हूँ। ये देख सकते हैं 5 MB का फोटो है। ठीक है ना, 3 MB का डिफरेंट है, और क्वालिटी भी देख सकते हैं। वीडियो का क्वालिटी आप लोग बढ़ा के देखिए, आप लोग देख सकते हैं ये वाला फोटो पूरा ब्लर टाइप का दिख रहा है। ठीक है ना, तो यही चीज़ें आप लोग को इस वीडियो में बताएंगे कि ये क्वालिटी कैसे बचा रहेगा, कैसे आप लोग बना सकते हैं इसके और भी अच्छे क्वालिटी, इसका कैसे आप लोग इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है ना, तो अभी आप लोगों को बताते हैं इस अगले स्टेप में क्या करना है, तो वीडियो को ध्यान से देखिए। उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं, अगर वीडियो थोड़ा भी अगर आप लोगों को अच्छा लगता है, वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा। अगर थोड़ा भी अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारी हर वीडियो आपके पास पहुँचते रहे। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के वीडियो करते हैं स्टार्ट। सो गाइस, सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, पूरा कट कर लेना है, कुछ भी नहीं करना है। आप लोगों का अपना मोबाइल डेटा इनेबल कर लेना है। ठीक है, मोबाइल डेटा ऑन कर लीजिएगा और नेक्स्ट प्रोसेस आप लोगों को बताते हैं। सो गाइस, अपना मोबाइल डेटा इनेबल करने के बाद सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, किसी भी अपने एक ब्राउज़र में चले जाना है, यानी कि क्रोम ब्राउज़र या फिर गूगल में किसी में भी जा सकते हैं। तो मैं क्रोम ब्राउज़र में चले जाता हूँ और यहाँ पर सर्च करना है alonedesign.com या फिर alonedesign.xyz लिख सकते हैं। ठीक है, जब आप लोग लिखेंगे तो यहाँ पे देखिए सबसे ऊपर के कॉर्नर में आप लोग को एक आ जाएगा एक नया वाला लिंक। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं लिखा हुआ है alonedesign.xyz, जिसमें ये लिखा रहेगा उसी पे आप लोगों को क्लिक करना है। तो यहाँ पे क्लियर आप लोग को लिखा हुआ है अलोन डिज़ाइन क्रिएटिव एंड अमेजिंग एडिटिंग टिप्स एंड ट्रिक, इस पर आप लोगों को क्लिक करना है। जब आप लोग इस पर एक बार क्लिक करेंगे तो हमारा कुछ इस टाइप से खुल के आएगा। ठीक है ना, वेबसाइट कुछ इस टाइप से खुलेगा। तो जब आप लोगों का इस टाइप से खुल जाएगा तो सिंपल से आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे क्लिक कर लेना है। ठीक है, ऊपर की साइड में यहाँ पे एक ऑप्शन है सर्च का, इस पर आप लोग क्लिक कर लीजिएगा और इस पर आप लोगों को सर्च करना है ऑटोडेस्क। ठीक है ना, ऑटोडेस्क आप यहाँ पे लिख लीजिएगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, आपका प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर रहा हूँ। ऑटोडेस्क लिख के सर्च कर लेना है। जब आप लोग सर्च करेंगे आपके सामने ये वाला नया इंटरफेस आएगा। ये वाला वीडियो में ये है कि कुछ लोगों में व्हाइट पट्टी आ जा रहा है, इसका भी प्रॉब्लम इसी में सॉल्व होने वाला है, वो भी ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना, काफ़ी लोग ऐसा कर रहे हैं कि व्हाइट पट्टी आ जा रहा है साइड साइड में और ये भी प्रॉब्लम आ रहा है। ठीक है, दोनों का सॉल्यूशन इसी वीडियो में है। तो इतना होने के बाद आप लोगों को सिंपल से इस पर क्लिक करना है रीड मोर पे। जब आप लोग इस पर क्लिक करेंगे तो स्क्रॉल अप करते जाइएगा, ऊपर जाइएगा और आप लोगों को बड़ा सा एक ऑप्शन दिखेगा जहाँ पर लिखा रहेगा क्लिक हेयर टू डाउनलोड। ठीक है, इस पर क्लिक करना है एक बार। जब आप लोग इस पर क्लिक करेंगे तो आपका जितना भी मेल आईडी ईमेल आईडी होगा सारा आपके सामने खुल के आ जाएगा। जब आप लोग के सामने खुल के आ जाएगा सिंपल से आप लोगों को क्या करना है, ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। जब ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया इंटरफेस खुल के आएगा। अभी आप लोगों को कोई ऑप्शन ही नहीं मिलता है ओके करने का, क्या करेंगे यहाँ पे। अगर काफ़ी लोग आके यहाँ पे मेरे वेबसाइट पे फंस जाते हैं, तो मेरे वेबसाइट पे ये सिस्टम बहुत आसान है। आप लोगों को सिंपल से जब ऐसा वाला ऑप्शन आएगा तो आप लोगों को इसी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है, यानी कि पैकेज इंस्टॉलर पर क्लिक कर लेना है। जब आप लोग इस पर एक बार क्लिक करेंगे तो आपका जो एप्लीकेशन है वो डाउनलोड होने लगेगा। देखिए, तो अभी थोड़ा सा वेट करेंगे, अभी आपका एप्लीकेशन यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। अपना नेट फास्ट रखिएगा, डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, डाउनलोड होने के बाद यहीं पे डाउनलोड होगा, देख सकते हैं डाउनलोडिंग स्टार्ट हो चुका है। डाउनलोड होने के बाद आप लोगों को इसको इंस्टॉल करना है। पहले वाला जो ऑटोडेस्क था उसको आप लोग डिलीट कर दीजिए, अनइंस्टॉल कर लीजिए। ठीक है, देख सकते हैं 97 MB का है, आप लोग इसको डाउनलोड मान लीजिए 100 MB। ठीक है ना, डाउनलोड कर लीजिएगा। करने के बाद आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को सिंपल से इसको ओपन कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद जब आप लोग ओपन करेंगे तो आसानी से ओपन हो जाएगा। इंस्टॉल करके उसको ओपन मत कीजिएगा। ठीक है ना, मैं बताता हूँ कैसे आप लोग ओपन करना है। सिंपल से आप लोग इंस्टॉल कर लीजिएगा, इंस्टॉल हो गया उसको क्लिक नहीं करके ओपन नहीं करना है। ठीक है ना, छोड़ दीजिएगा।
सिंपल से अब चले जाना है अपने होम स्क्रीन पे, ठीक है। हम इसको क्या करेंगे, ऐसे हटा देंगे, ठीक। अभी आप लोगों को क्या करना है, सिंपल चले जाना है अपने गैलरी में। और हाँ, अभी वीडियो को छोड़ के मत जाइएगा, क्योंकि यार वीडियो में अभी काफ़ी चीज़ें आप लोग को देखने को मिलने वाला है कि आखिर आप लोग किस एप्लीकेशन में पहले अपने फ़ोटो को अपलोड करेंगे तो आपके फ़ोटो का क्वालिटी कम नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें देखने के लिए ध्यान से रहिएगा, आप लोग छोड़ के वीडियो को मत जाइएगा। तो यहाँ पे क्या करना है, आप लोगों को कोई भी फोटो ले लेना है, जैसे कि ये वाला फोटो, मैंने दूसरा फोटो लेके दिखाता हूँ आप लोगों को। जैसे यहाँ पे मान लीजिए ये वाला फोटो है, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। इसको शेयर करूँगा ऐसे शेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करके, और स्केच बुक ऑटोडेस्क पे शेयर कर लेना है। ओल्ड वाला वर्जन है पहले वाला, इसको अगर आप लोग यूज़ करेंगे कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए, सबसे पहले तो व्हाइट वाला पट्टी वाला जो प्रॉब्लम था ये सॉल्व हो गया, ठीक है, बिल्कुल नहीं दिख रहा है। अभी आप लोगों का क्वालिटी भी बिल्कुल भी लॉस नहीं होने वाला है, सेम क्वालिटी रहेगा, एकदम HD क्वालिटी। तो यहाँ पे क्या करना है, कोई भी ब्रश लेके आप लोग इजीली यूज़ कर सकते हैं, अपने फ़ोटो को स्मूथ वगैरह कर सकते हैं। देखिए, मैं वाइट भी काफ़ी अच्छे से यहाँ पे कर सकता हूँ, ठीक है ना। तो ऐसे कर सकते हैं। अभी आप लोगों को बताते हैं कि फ़ोटो को किस एप्लीकेशन में पहले एडिट करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर एडिटिंग वाले एप्लीकेशन देख सकते हैं आप लोग कितना है, देख सकते हैं यहाँ पर सारे एडिटिंग वाले एप्लीकेशन है। सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है एडिटिंग करने के लिए, सबसे पहले देखिए, आप लोग इसमें भी अगर यूज़ करते हैं तो आपका क्वालिटी बिल्कुल भी लॉस नहीं होगा। स्नैपसीड में क्वालिटी कम नहीं होता है, ध्यान में रख लीजिएगा, क्लियर बता रहे हैं, बिल्कुल क्वालिटी कम नहीं होता है। लाइट रूम में भी क्वालिटी कम नहीं होता है, ऑटोडेस्क में भी क्वालिटी कम नहीं होता है, ठीक है। तो इस तीनों एप्लीकेशन को जैसे मर्जी वैसे आप लोग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। किसी भी, हम तो सबसे पहले स्नैपसीड का यूज़ करते हैं, बाद में लाइट रूम, लास्ट में ऑटोडेस्क, अपना बता रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे करके आप लोग कर सकते हैं, और लास्ट में आप लोग को पिक्सआर्ट का यूज़ करते हैं, ठीक है। आप लोगों को लास्ट में पिक्सआर्ट का यूज़ करना है, एकदम नॉर्मल यूज़ करना है, ऐसा नहीं कि मतलब ज़्यादा काम पिक्सआर्ट में नहीं करना है। अगर ज़्यादा करना है तो कैसे करना है, ये चीज़ मैं आप लोगों को बता देता हूँ। अब जैसे कि यहाँ पे देखिए, ये पिक्सआर्ट में आ चुका हूँ इस फोटो को लेके, ध्यान से समझिएगा इस फोटो का क्वालिटी क्यों गिरता है, ठीक है ना। पिक्सआर्ट में सबसे पहले आते आते आप लोग इस फोटो को रिसाइज़ करना मत भूलिएगा, यहाँ पे रिसाइज़ कर लीजिएगा। जैसे कि यहाँ पे 3000 दिखा रहा है, यहाँ पे मैं चेक कर लेता हूँ कितना पे होगा, 3000 लास्ट है, ठीक है ना। इसको रिसाइज़ करके रखिएगा। उसके बाद से नेक्स्ट प्रोसेस आप लोगों को क्या करना है, मान लीजिए आप लोगों को बहुत सारा PNG वगैरह इसमें ऐड करना है पिक्सआर्ट से, तो इसमें ड्रॉ टूल में आइएगा। ड्रॉ टूल में आने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं आप लोगों को सिंपल से लास्ट में ऑप्शन एक मिल जाता है ऐड सब्जेक्ट का, देख सकते हैं दिखाई दे रहा होगा। यहाँ से आप लोग PNG वगैरह ऐड कीजिएगा तो आपका बिल्कुल भी फ़ोटो का क्वालिटी लॉस नहीं होगा। अगर आप लोग यहाँ से डायरेक्टली देखिए ऐड फोटो का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ से अगर ऐड करते हैं तो आपका क्वालिटी सिंपल बात है कि लॉस होना ही होना है। अगर क्वालिटी गिर जाता है तो फिर भी अगर आप लोग चाहें तो रेमिनी का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन लास्ट में रेमिनी का यूज़ करने से हेयर पूरा ख़राब हो जाता है, ये भी ज़रूरी है। तो अगर आप लोग पहले ही कोशिश करेंगे कि फ़ोटो का क्वालिटी बना रहे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो ये चीज़ को ध्यान में रखते हुए आप लोग फ़ोटो को अपने एडिट कीजिएगा। उसके बाद से देखिए, हम ज़्यादा काम करते ही नहीं है, पिक्सआर्ट में आते हैं और ये वाला रीटच वाला ऑप्शन पे चले जाते हैं और इसमें लेंस वगैरह लगा लेते हैं, बाकी कुछ नहीं। बाकी सारी चीज़ें दूसरे एप्लीकेशन में भी कर सकते हैं और इसमें ड्रॉ टूल में भी जाके कर सकते हैं, ठीक है। पिक्सआर्ट में बहुत सारा अपडेट आ चुका है, आते रहता है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को काफ़ी ज़रा समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो, नहीं अच्छा लगा होगा तो चैनल को अनसब्सक्राइब करके वीडियो को डिसलाइक भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अभी मिलते हैं ऐसे किसी फ्रेश वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लव यू ऑल।